पर्सन। अगर आप इस वर्ड में देखें तो सबसे पहले आया है पर्सन, किसी चीज को एज अ पर्सन प्रेजेंट करना, एज अ ह्यूमन प्रेजेंट करना, तो ये कहलाता है पर्सनलिफिकेशन। तजदीद निगारी, किसी चीज को ह्यूमन बॉडी दे देना, ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी क्वालिटीज दे देना, तो वो हमारे पास कहलाता है पर्सनलिफिकेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी कि उर्दू में छोटी सी पैर, उसके बाद बताऊंगी इंग्लिश में कि कभी कभार हम कहते हैं कि आहिस्ता बोलो दीवारों के भी कान होते, यहाँ पर अभी दीवारों के कान नहीं होते, लेकिन हमारे कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई हमारी बात न सुन ले। तो इधर हमारे कहने का मतलब है कि कोई हमारी बात न सुन ले, तो यहाँ पर हमने दीवारों को पर्सनिफाई किया है, उसे हमने इंसानों की खसूसियत दी है। तो अभी एग्जाम्पल बताऊंगी इंग्लिश में, खौफ ने मेरे दिल में नाचना शुरू कर दिया, डांस शुरू कर दिया। तो अभी तो खौफ किसी के दिल में नाचना नहीं शुरू कर सकता ना, तो ये इधर हमारे कहने का मतलब ये कि हमारा खौफ इतना बढ़ गया कि मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई, यहाँ पर हमने फियर को पर्सनिफाई किया है। उसके साथ हमने नाचने की खसूसियत लगाई है, और ये नाचने की खसूसियत जो है वो ह्यूमन की है, मतलब ह्यूमन की एक खसूसियत। वेल डन, वेरी गुड।